हेलो स्टूडेंट्स, E-LITE वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मैं चेतन शर्मा और मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लास 12। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आपका हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरेनेस चैप्टर नंबर 10। बेसिकली हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बेसिकली कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स जो फील होती हैं वो होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, देखेंगे इसको रिएक्शंस कैसे लर्न करें, कैसे याद करें। तो ये जो भी फोबिया आपके मन में है इन सब चीज़ों को अपन इन वीडियो के थ्रू दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। बेसिकली आपके पास चार टॉपिक होंगे यहाँ पर, हैलोएल्केन हैलोअरेन, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एल्कोहल फिनोल ईथर, देन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स। इन सब चैप्टर्स को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि बेसिकली इन सब चैप्टर्स में आपस में कुछ सिमिलरिटीज हैं टॉपिक्स को लेकर के। वो सिमिलरिटीज ये होंगी कि हर एक टॉपिक को आपको डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। कि किसी भी चैप्टर को आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसका सबसे पहला पार्ट जो होगा वो इंट्रोडक्शन का रहेगा कि ये चीज आपके पास है क्या। सपोज दैट आपने इस चैप्टर स्टार्ट किया हैलोएल्केन एंड हैलोअरेनेस, तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर हैलोएल्केन्स एंड व्हाट आर हैलोअरेनेस। नेक्स्ट जो होगा आपके पास वो होगा आपका क्लासिफिकेशन, जहां पर अपन ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इन कंपाउंड्स को अपन किन किन बेसिस के बिहेव पर आप इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्ड जो अपने पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथड ऑफ प्रिपरेशन, विच मीन्स कि बेसिकली आप किन किन केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हुए आप हैलोएल्केन एंड हैलोरेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नंबर फोर टॉपिक जो आपके पास रहेगा वो रहेगा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां पर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन का मीन जो होता है बेसिकली कि कोई भी कंपाउंड या सैंपल जो आपको दिया गया है उस सैंपल पर बेसिकली आपको क्या कलर उसका विजिबल होता है, क्या उसकी फिजिकल स्टेट होगी, क्या उसकी सॉलिबिलिटी होगी, क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, और क्या पर्टिकुलर उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का मीन होगा कि किसी भी सैंपल को फिजिकली सीन करने पर आप क्या प्रॉपर्टी उसके बिहेव पर डिस्कस कर सकते हैं, वो सब आपकी कंसिडर की जाएंगी ड्यूरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में अपन वो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है उस कंपाउंड की हेल्प से या उस कंपाउंड से आप किन और अदर केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट यूजेस। ओके, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें ये पढ़ना है, बेसिकली स्टडी करना है कि ये हैलोएल्केन्स एंड हैलोरेनेस होते क्या है। Let's start with first one, haloalkanes. Basically, haloalkanes are made up of or by the combination of two words, halo plus alkane. Whereas halogen represents halogen groups, which are belongs to group number 17 in periodic table. जहां पे हैलोजन को अपन एक्सो से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलोजन में बेसिकली आपके फोर सब्सटेंस फोर एलिमेंट्स होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बेसिकली जनरली अपन देखते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें अपन क्लोरीन एंड ब्रोमीन को ही यूज करते हैं इन इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो बजाय फ्लोरीन और आयोडीन के। बिकॉज यहाँ पे जब अपन देखते हैं तो आयोडीन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, बिकॉज व्हेनेवर वी मूव अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल देन साइज इज इंक्रीजेस, और ड्यू टू इंक्रीमेंट इन साइज वी कैन से दैट कि आयोडीन जो होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो ये इजीली किसी भी केमिकल रिएक्शन में ब्रेक हो जाता है। जबकि बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन के साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो काफी लो होती है। तो रिएक्टिविटी लो होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है, और जबकि कहेंगे कि आयोडीन जो है उसके बॉन्ड को ब्रेक करना काफी ज्यादा इजी होता है। दैट्स व्हाई अपन देखते हैं काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर अपन यूज करते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन को। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अपन हैलोजन में कोई भी हैलोजन को यूज कर सकते हैं जो कि आपका है क्लोरीन, और यहाँ पे जो यूज करेंगे वो करेंगे एल्केन,
एल्केन जो होते हैं वो आपको पता होगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहां पे आप केमिस्ट्री को बहुत वेल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, समझ पाएंगे। तो एल्केन्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से, ठीक है, और सैचुरेटेड का मतलब होता है कि वो हाइड्रोकार्बन्स जहां पे कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट। तो यू कैन से दैट कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं आपके एल्केन्स, जहां पे एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम यहां पे n की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं तो वी गेट आंसर CH4 एंड दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। तो हमने कहा कि बेसिकली हैलोएल्केन जो होते हैं वो टू वर्ड से मिलकर बने होते हैं, हैलो प्लस एल्केन से। तो हैलोजन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Cl2 और एल्केन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं CH4, दोनों के बीच क्या करवाएंगे रिएक्शन। ओके, हम आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं यहां पर कि बेसिकली जितने भी आपके पास में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक और न्यू बॉन्ड्स का होता है फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने होंगे जो भी एटम्स के बीच आपके प्रेजेंट है, और न्यू बॉन्ड्स का हमें फॉर्मेशन करना होगा। तो CH4 को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं Cl2 को। क्या देखते हैं, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई दो एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली हमें नॉलेज में होना चाहिए कि कोई भी एटम जो है उनके बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है एटम्स के बीच, उस बॉन्ड में बेसिकली टू इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे क्लोरीन क्लोरीन के जो एटम है उनके बीच जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं कोई भी दो एटम्स के बीच में, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड है वो टू इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, एज वेल दोनों बॉन्डेड जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एटम सेम है, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो जब कोई भी दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है तो वहां पे जब अपन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो कहते हैं कि दोनों एटम जब सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर के हैं, इट मीन्स किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर कंप्लीटली विड्रॉ कर पाए। सो वी कैन से दैट इफ एनी टू एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन बॉन्ड इज ऑलवेज क्लीवेज अकॉर्डिंग टू होमोलाइटिकली। होमोलाइटिक टर्म जो होता है उसका मतलब यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो आपका इक्वल अमाउंट्स में होगा। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एक बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टू। तो टू इलेक्ट्रॉन जब आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन इसका अदर एटम पर होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका अदर एटम पे होगा। और जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसी एटम पर तो उसे अपन कंसीडर करते हैं फ्री रेडिकल। तो यहाँ दोनों क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होने की वजह से आपका जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो होगा आपका होमोलाइटिक टाइप। तो यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्लोरीन एंड क्लोरीन एटम की तरफ। सेम एज अगर अपन बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, तो इन दोनों एटम्स को देख पा रहे हैं कि दोनों एटम आपके डिफरेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट हमें एक रूल पता होना चाहिए इसके पीछे, वो रूल जो आपके पास होता है वो ये होता है कि जब भी किसी टू एटम्स के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका होता है लेस देन 0.5 तो उस टाइप के बॉन्ड को हम कंसिडर करते हैं नॉन पोलर। दिस इज द बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ एनी टू एटम विच हैव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस लेस देन 0.5 देन द बॉन्ड इज टू बी कंसीडर्ड एज नॉन पोलर। नॉन पोलर अगर बॉन्ड आपका प्रेजेंट है तो उसे आप होमोलाइटिकली क्लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती है 2.5 एंड हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन टू एटम्स इज 0.4। सो यू कैन ब्रेक दिस बॉन्ड अकॉर्डिंग टू होमोलाइटिक क्लीवेज। और जब इसे होमोलाइटिकली क्लीव करते हैं तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन पे रेडिकल जनरेट होगा और एक रेडिकल आपका कार्बन पे जनरेट होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में पहले आपके ओल्ड बॉन्ड होते हैं ब्रेक एंड देन नाउ बॉन्ड्स न्यू बॉन्ड्स होते हैं फॉर्म। तो हमने ओल्ड बॉन्ड कर दिए ब्रेक। नाउ द रेडिकल ऑफ कार्बन एटम इज अटैच्ड विद रेडिकल ऑफ Cl एटम एंड वी नो दैट टू इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वहां पे क्या होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पे CH3 जो आपके पास में है और CH3 के साथ में आपके Cl के साथ क्या हो जाएगा बॉन्ड अटैच या बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और वही H पे जो रेडिकल है वो आपका इस Cl के रेडिकल से क्या होगा
अटैच. तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन जाएगा HCl का. तो जो हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है CH3Cl का, जहाँ पे CH3 वाले पार्ट को हम कंसिडर करते हैं एल्काइल पार्ट और Cl वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं हैलोजन पार्ट. तो दिस इज द हैलोएल्केन. सो हैलोएल्केन इज फॉर्मड, हैलोएल्केन इज फॉर्मड बाय द रिएक्शन बिटवीन हैलोजन एंड एल्केन्स. तो दिस इज द रिएक्शन. तो बेसिकली इस रिएक्शन के प्रयोग पे आप समझ सकते हैं कि हैलोएरेन्स का फॉर्मेशन किस तरह से होगा आपके पास में. चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं. हैलोएरेन जो होगा यहां पे वो भी आपके टू टर्म से मिलके बना होगा, हैलो प्लस एरेन से. यहां पे भी आपका हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे अपन X2 से. एरेन जो होता है वो बेसिकली आपका होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. स्टूडियो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं बेंजीन. ओके, बेंजीन की जब बात की जाती है तो बात की जाती है कि बेंजीन के ऊपर टोटल 6 कार्बन एटम्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ईच एंड एवरी कार्बन एटम पे आपका होगा एक हाइड्रोजन एटम. बिकॉज वी नो दैट कि बेंजीन रिंग में जो आपका कार्बन होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हर एक हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका क्या है, इक्विवेलेंट, यानी कि सारे हाइड्रोजन एटम सेम टाइप के यहाँ पे आपके अटैच्ड है. जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं X2 से, यानी कि क्लोरीन Cl2 से मान लीजिए, अगेन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से क्या करेंगे आप, इसे होमोलाइटिकली रेडिकल जनरेट होगा दोनों क्लोरीन एटम्स के ऊपर. बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में किसी भी हाइड्रोजन एटम को अपन क्लेम कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होगा किसी भी हाइड्रोजन को, क्योंकि इस बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट सारे कार्बन एटम्स पे हाइड्रोजन कैसे हैं, इक्विवेलेंट है. तो यहाँ पे दो रेडिकल जनरेट हुए, एक रेडिकल जो होगा वो ज्वाइन हो जाएगा इस हाइड्रोजन एटम से और एक रेडिकल जो ज्वाइन होगा वो इस हाइड्रोजन एटम से ज्वाइन हो जाएगा. तो क्या बनेगा आपके पास में, आपके पास में HCl रिलीज हो जाएगा और इस बेंजीन रिंग से आपका अटैच जो होगा वो क्या होगा आपका Cl. बेंजीन रिंग को हम रिप्रेजेंट करेंगे एरोमेटिक से और Cl को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से. तो दिस इज द हैलोएरेन. बेसिकली आप समझ गए होंगे तीन चार कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किए हैं. कॉन्सेप्ट वन कि जब भी कोई एटम सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हो तो आप उसे होमोलाइटिकली क्लीव कर सकते हैं. नंबर टू कि बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड हमेशा ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट हैलोएल्केन एंड हैलोरेन्स, हाउ हैलोएल्केन एंड हैलोरेन्स आर फॉर्म. तो बेसिकली इस चैप्टर में आगे आपको जो समझना होगा वो ये है कि हैलोएल्केन जो है उस हैलोएल्केन के अंदर आप इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं RX से, जहां पे आपका R ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, वो ओपन चेन होगा, जबकि हैलोएरेन जो होंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ARX से, यानी कि जहां पे हैलोजन अटैच होगा डायरेक्टली किससे, एरोमेटिक कंपाउंड से, यू कैन से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से, सॉरी इट इज एरोमेटिक. तो बेसिकली अगर हैलोजन डायरेक्टली किससे अटैच हो, बेंजीन रिंग से, तो उसे कहा जाएगा आपका हैलोएरेन. अगर ये अटैच होता है एल्फेटिक चेन से तो उसे कहा जाएगा आपका हैलोएल्केन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन पार्ट. नंबर टू पार्ट विच इज क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन का जनरल मतलब जो होता है आपके पास में वो होता है ये कि आप जो भी कंपाउंड को स्टडी कर रहे हो उसे आप किस बिहोक पे कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे. सिंपल, जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया होता है, बेसिस होता है कि हम किस पे उसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपन किसी भी क्लास का डिवीजन करते हैं तो क्लास का डिवीजन जब करते हैं तो वहां पे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास में प्रेजेंट है उन नंबर ऑफ स्टूडेंट को अपन क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. तो किसी भी चीज पे जब आप उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन ए बिलोंग्स टू 90% स्टूडेंट्स, सेक्शन बी बिलोंग्स टू 80%, सेक्शन सी बिलोंग्स टू 60%. दिस इज द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया व्हाट? क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑल स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड टू देयर सेक्शंस. दैट्स व्हाई हैलोएल्केन एंड हैलोरेन्स होंगे, उन्हें भी आप किसी ना किसी पर्टिकुलर बेसिस पे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. जो नंबर वन होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस. ओके, यानी बेसिकली जितने भी आपके पास हैलोएल्केन्स एंड हैलोरेन्स होंगे उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ हैलोजेंस कितने अटैच्ड हैं उसके हिसाब से उसे अपन क्लासिफाई करने जा रहे हैं. तो नंबर वन में जो आपके पास आएगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए
किसी भी हैलोएल्केन में अगर आपके पास नंबर ऑफ हैलोजन जो अटैच है वो आपके पास है वन, तो उसे कंसिडर किया जाएगा मोनो से। अगर आपके पास टोटल हैलोजन कितने हैं टू, तो उसे कंसिडर किया जाएगा डाई से। थ्री है तो उसे कंसिडर किया जाएगा ट्राई से। तो बेसिकली मैं आपके सामने एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ CH3Cl, एंड अनदर एग्जाम्पल इज तो बेसिकली एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपके पास में है यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये कंपाउंड सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये आपके पास हैलो एल्केन है कि हैलो एरिन। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें हैलोजन जो अटैच है वो आपका एलिफेटिक चेन से है, तो इसे कंसिडर किया जाएगा हैलो एल्किन। इस हैलो एल्किन के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ हैलोजन कितने प्रेजेंट है का वन, तो यू कैन से दैट कि दिस इज मोनो। मोनो व्हाई? बिकॉज इन दिस कंपाउंड ओनली वन हैलोजन एटम इज प्रेजेंट, मोनो एंड हैलो एल्किन। बिकॉज ये हैलो एल्किन है और इसमें नंबर ऑफ हैलोजन आपका एक ही अटैच है, तो इसे कंसिडर किया जाएगा मोनो हैलो एल्किन। इस बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि नीचे वाले कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ हैलोजन कितने गिवन है आपको, वन टू एंड थ्री। तो थ्री के लिए अपन जो टर्म यूज करेंगे वो करेंगे ट्राई, एंड ऑब्वियस कि पता है हमें कि ये कंपाउंड जो दिया गया है कौन सा है, हैलो एल्केन। सो यू कैन से दैट कि दिस इज ट्राई हैलो एल्केन। एट सेम अगर हम आपको एग्जाम्पल और दे रहे हैं यहाँ पर कि ये आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है इस तरह से, हैलोजन है हैलोजन, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपाउंड जो है इसमें आपका हैलोजन जो अटैच है किससे है, बेंजीन रिंग से। तो यू कैन से दैट कि दिस कंपाउंड इज बिलोंग्स टू हैलोएरिन, और हैलोएरिन में नंबर ऑफ हैलोजन कितना गिवन है आपको, टोटल 2, 1 एंड 2। तो यू कैन से दिस इज डाई, डाई रिप्रेजेंट फॉर 2 हैलोजन, एंड कंपाउंड जो है वो आपके पास क्या है, हैलोएरिन। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डाई हैलोएरिन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। ओके चलिए नंबर टू जो आपके पास होगा क्लासिफिकेशन का बेसिस वो रहेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक को अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन के बिहोर पे आप हैलोएल्केन्स एंड हैलोरेन्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और बेसिकली इसके बाद अपन चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे पर वीडियोस। ओके तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो, और आगे भी इसी तरह से मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा जैसे जैसे आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा।